दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं टोटल चार शेयर्स के बारे में, जहां पर आज के दिन हमें कुछ बड़ी कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट देखने को मिल रही है और साथ ही साथ काफी शानदार रिटर्न्स भी हमें यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले यदि आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सबसे पहले जिस शेयर्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, अगर उसके आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो आज के दिन आपको इस शेयर के अंदर 13% तक की शानदार तेजी देखने को मिल चुकी है और साथ ही साथ शेयर्स ने आज के दिन अपने नए 52 वीक के हाई को भी अचीव कर लिया है। यानी कि काफी शानदार ट्रेडिंग हमें यहां पर इस शेयर के अंदर होते हुए देखने को मिल रही है। ऑर्डर बुक में भी काफी शानदार फ्रेश बाइंग कंटिन्यूसली बेसिस पर आ रही है, जिसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है स्प्लिट को लेकर। जी हां दोस्तों, कंपनी यहां पर अपने शेयर होल्डर्स को स्प्लिट देने जा रही है। 8 दिसंबर 2021 के दिन आपको कंपनी की बोर्ड मीटिंग यहां पर होते हुए देखने को मिलने वाली है, जिसमें कंपनी का जो अभी आपको शेयर्स की फेस वैल्यू ₹5 देखने को मिलती है, तो यहां पर मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि कंपनी आपको 1:5 के रेशो का स्प्लिट देने वाली है। कंपनी के ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी आप यहां पर देख सकते हैं। 8 दिसंबर 2021 के दिन हमें यहां पर कंपनी की बोर्ड मीटिंग यहां पर हेल्ड होते हुए देखने को मिलने वाली है, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से स्प्लिट को लेकर यहां पर अप्रूवल देखने को मिल सकता है। ₹5 पर शेयर फेस वैल्यू का अभी हमें इसका शेयर्स देखने को मिलता है, यानी कि स्प्लिट के बाद हमें 1:5 के रेशो में ये शेयर्स डिवाइड होते हुए देखने को मिल सकता है। कंपनी का नाम है JBM ऑटो लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, JBM ऑटो लिमिटेड जो कि कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स शीट मेटल कंपोनेंट्स टूल डाइस एंड मॉड्यूल्स एंड बसेस इंक्लूडिंग सेल ऑफ स्पेयर पार्ट्स एसेसरीज एंड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बसेस बनाने का काम करती है। 5,466 करोड़ रुपए के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी, जिसके अगर रिजर्व की बात करी जाए तो 750 करोड़ रुपए के कंपनी के पास एक हेल्दी रिजर्व भी है। लेकिन इस चीज को भी आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है कि कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है वो भी कंटिन्यूसली हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स का स्टेक और डोमेस्टिक इन्वेस्टर का स्टेक काफ़ी पॉजिटिव हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ प्रमोटर्स का स्टेक भी यहाँ पर 67.54% का हमें देखने को मिलता है, यानी कि कंपनी के खुद मालिक भी यहाँ पर काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट इस कंपनी के अंदर बैठे हैं, जिस कारण से यदि आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं तो आप अपनी पोजिशंस को यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप स्प्लिट का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो 8 दिसंबर के दिन यहाँ पर जैसे ही स्प्लिट रिकॉर्डेड अनाउंस हो जाएगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से अपडेट कर दी जाएगी। तो यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों बात कर लेते हैं अनदर शेयर्स के बारे में, जिसका नाम है विप्रो लिमिटेड, जहां पर आज के दिन हमें विप्रो लिमिटेड के अंदर लगभग 2.5% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं बात करें विप्रो लिमिटेड के आज ट्रेडिंग सेशन के बारे में, तो आज के दिन हमें इस शेयर के अंदर सेलिंग प्रेशर भी बनते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी बीच विप्रो लिमिटेड को लेकर भी आज के दिन एक बड़ी प्रेस रिलीज हमें यहां पर आते हुए देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं प्रेस रिलीज मैंने आपके सामने ओपन कर ली है, जिसमें विप्रो एंड सिलोनियस लॉन सप्लाई चेन कॉमन सेंटर सॉल्यूशन, तो यहां पर सिलोनियस सप्लाई चेन कमांड सेंटर सॉल्यूशंस यहां पर विप्रो ने लॉन्च कर दिया है, जिसका बेनिफिट यहां पर विप्रो के जितने भी कस्टमर्स हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कल भी मैंने आपके लिए वीडियो की एक अपडेट कवर करी थी, जिसमें मैंने आपको बताया भी था कि विप्रो लिमिटेड के शेयर्स को BSE इंडेक्स के अंदर इंक्लूड किया गया है और 20 दिसंबर से आपको इस शेयर्स के अंदर काफ़ी बड़ा इनफ्लो आते हुए देखने को मिल सकता है, जिस कारण से यहाँ पर अगर आप लॉस में भी है तो लॉस में आपको अपनी पोजिशंस को स्केयर ऑफ बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये शेयर्स भी आपको आने वाले टाइम में काफ़ी शानदार रिटर्न्स बनाकर दे सकता है। इंडिया की 3rd लार्जेस्ट IT सेक्टर कंपनी है विप्रो लिमिटेड, जो कि फ्यूचर में आपको काफ़ी बड़े रिटर्न्स बनाकर दे सकती है। विप्रो लिमिटेड के अंदर कल के ट्रेडिंग सेशन में आप इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल जो इसका निकल कर आ रहा है ₹600 का, उसको ध्यान में रखते हुए आप अपने रिस्क को मैनेज करते हुए चल सकते हैं। दोस्तों कहते हैं ना कि यदि किसी कंपनी के अंदर प्रॉपर स्टडी करके इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाए तो वहां पर शेयर होल्डर्स बुरी तरीके से फंस जाते हैं, वैसा ही एक शेयर हमें देखने को मिलता है, जिसका नाम है रिलायंस कैपिटल लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, रिलायंस कैपिटल लिमिटेड, जहां पर आज के दिन हमें शेयर्स के अंदर अगेन 5% का लोअर सर्किट देखने को मिल चुका है और साथ ही साथ कह सकते हैं कि जो न्यूज़ यहां पर निकल कर आई है उस न्यूज़ से तो ऐसा लग रहा है कि रिलायंस कैपिटल के शेयर होल्डर्स के बुरे दिन यहां पर शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं आज ही के दिन ये न्यूज़ निकल कर आई है, जिसमें NCLT के थ्रू यहाँ पर जो प्रोसीडिंग्स है रिलायंस कैपिटल के अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी की, उसे यहाँ पर स्टार्ट कर दिया गया है। कंप्लीट न्यूज भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ऑन मंडे एडमिटेड द रिजर्व बैंक ऑफ प्ली टू इनिशिएट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशंस
प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट रिलायंस कैपिटल। तो यहाँ पर प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी गई है। लास्ट वीक ही हमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एप्लीकेशन फाइल्ड होते हुए देखने को मिल रही थी एनसीएलटी को रिलायंस कैपिटल के अगेंस्ट, जो कि यहाँ पर अब हमें प्रोसीडिंग्स होते हुए देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने में शेयर्स लगभग 23% से भी ज्यादा के नेगेटिव रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे चुका है। अगर आप इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी टाइम पर रिलायंस कैपिटल का शेयर्स आपको 3,000 रुपए के लेवल पर देखने को मिलता था, जो कि अब आपको 14.80 रुपए पर देखने को मिल रहा है। यानी कि यहाँ पर शेयर होल्डर्स ने, जिसने भी यहाँ पर इस लेवल पर एंट्री ले रखी होगी, उनका पैसा पूरी तरीके से यहाँ पर डूब चुका है। इसीलिए मैं पर्सनली आपको ऐसे शेयर से दूर रहने की सलाह देता हूं। लेकिन उनके बावजूद अगर यहां पर सीखने वाली चीज अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे इन्वेस्टर बिना सोचे समझे यहां पर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। अभी भी हमें रिलायंस कैपिटल के अंदर लगभग 9 लाख क्वांटिटी आज के दिन भी ट्रेड होते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन मैं हमारे फैमिली मेंबर से, बाजार की खबर के फैमिली मेंबर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपको किसी भी ऐसे शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है जो कि फंडामेंटली बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है और यहाँ पर जिसके अगेंस्ट यहाँ पर केसेस हमें चलते हुए देखने को मिल रहे हैं। भले ही कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स कितने ही अच्छे हमें देखने को मिल जाए, लेकिन अभी भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा लॉस मेकिंग हमें देखने को मिल रही है और साथ ही साथ कंपनी के ऊपर डेप बहुत ज़्यादा है, जिस कारण से यहाँ पर अभी आपको फ्रेश पोजीशंस को बिल्कुल अवॉइड करना है। बात करें कि जो ऑलरेडी पोजीशंस बनाकर बैठे हैं उनको क्या यहाँ पर स्टेप्स उठानी है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद में यहाँ पर फाइनल डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं अनदर शेयर्स के बारे में, जहां पर आज के दिन हमें बहुत ही शानदार न्यूज आते हुए देखने को मिल रही है, जिसका नाम है IEX, यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। IEX के बोनस देने के बाद में इस शेयर्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ हमें आते हुए देखने को मिल रही है। पिछले एक साल के अंदर ये शेयर्स 253% तक के शानदार रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे चुका है और साथ ही साथ यहाँ पर जो ICICI डायरेक्ट ने इसके जो नए टारगेट प्राइस सेट किए हैं वो भी 305 रुपये तक के देखने को मिल रहे हैं। जहाँ आज के दिन एक तरफ मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली, सेंसेक्स 1,000 पॉइंट से ब्रेक होते हुए देखने को मिला, निफ्टी मिड कैप लगभग 450 पॉइंट से ब्रेक होते हुए देखने को मिला, वहीं IEX के अंदर में मामूली से करेक्शंस देखने को मिले हैं। क्योंकि IEX के अंदर जो न्यूज यहां पर निकल कर आई है वो काफी पॉजिटिव न्यूज है। जी हां दोस्तों, IEX ने अपने मार्केट अपडेट करी है नवंबर मंथ की सेल्स की, जिसमें काफ़ी शानदार ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं IEX अचीव 9,477 MU वॉल्यूम इन नवंबर 2021, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हमें 54% की ग्रोथ यहां पर इसकी वॉल्यूम में देखने को मिल रही है। साथ ही साथ द रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट के अंदर भी जो ग्रोथ यहां पर रिकॉर्ड करी गई है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 47% की रिकॉर्ड करी गई है। बात करें ग्रीन मार्केट ग्रोथ की तो वहां पर 178% की ग्रोथ यहां पर रिकॉर्ड करी गई है और लगभग 24.44 lakhs REC ट्रेडेड एट एक्सचेंज इन द ट्रेडिंग सेशन ऑन 24th November 2021। तो ओवरऑल अगर आपने भी IEX के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो यहां पर भी आप अपनी पोजीशंस को लॉन्ग टर्म पर्पस से होल्ड करके चल सकते हैं। ये शेयर लॉन्ग टर्म में आपको अगेन 500 रुपीज प्लस ट्रेड होते हुए देखने को मिल सकता है। बात करें फ्रेश पोजीशंस की तो IEX के अंदर अभी बहुत सही अपॉर्चुनिटी बन रही है अगर आप इस शेयर्स को लॉन्ग टर्म पर्पस से अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके चलना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।